हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। अनुज को अपने बटुए से अनुपमा की तस्वीर हटाई हुई मिलती है। श्रुति ने इसे अपनी फोटो से रिप्लेस कर दिया। वह बेचैन हो जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी प्रेम यादें छीन ली हो। अनुज और अनुपमा को एक बार फिर अलगाव का दर्द महसूस होता है। श्रुति उसके पास इस नजर से पहुंचती है मानो उसने अपने बटुए से अनुपमा की तस्वीर हटाकर सही काम किया हो। वह उससे कुछ भी पूछने में असफल रहता है। अनुपमा एक शख्स से लाइटर उधार लेती है और फोटो जला देती है। वह नहीं चाहती कि कोई भी यादें उसके दिमाग पर असर डाले। श्रुति को फूल पसंद है। अनुज ने उससे गायब फोटो के बारे में पूछने का साहस जुटाया। वह उससे पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पता है। वह कहता है कि उसे पुरानी फोटो चाहिए। वह कहती है कि उसने इसे अनुपमा को दे दिया है। अनुपमा को रोना आ रहा है कि आध्या और अनुज अब उसके नहीं रहे। वह उनसे दूर रहना चाहती है क्योंकि वे उसके भाग्य में नहीं है। अनुपमा खुद को सांत्वना देती है। अनुज पश्चाताप से भर गया। दूसरी ओर लीला वनराज से पाखी के बारे में पूछती है। वह कहता है कि आरुष एक मतलबी लड़का है, पाखी के पास कोई विकल्प नहीं है और वह हमेशा गलत काम करती है। वह उस पर विश्वास नहीं करता। उनका कहना है कि वह परिवार को वापस भारत ले जाना चाहते हैं। उसे दुख होता है। वह कहते हैं कि पाखी विद्रोही है। अनुपमा ने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और परितोष ने परिवार के लिए मुसीबत को आमंत्रित किया है। वह वापस जाने का फैसला करता है। वह अंश के बारे में पूछता है। लीला कहती है कि डिम्पी ने उसे बाहर निकाला है। उसे टीटू की बातें याद आती है। डिम्पी अंश के साथ घर आती है। वनराज उससे आउटिंग के बारे में सवाल करता है। उसका कहना है कि वह सामान लेने गई थी। वह उससे पूछता है कि वह अंश को अपने साथ क्यों ले गई। वह उसे याद दिलाती है कि अंश उसका बेटा है और उसे ले जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वह अंश से वादा करने के लिए कहता है कि वह अपने दादू को कभी नहीं छोड़ेगा। अंश ने वादा किया और उसे गले लगा लिया। वनराज डिम्पी से कहता है कि अंश हमेशा शाह परिवार के साथ रहेगा। वह उसका विरोध करती है। अनुपमा के चयन से दिया खुश है। वह कहती है कि यशदीप ने उसे फोन किया और रेस्तरां को बचाने के लिए अनुपमा के प्रयासों के बारे में बताया। अनुपमा कहती है कि वह रेस्टोरेंट को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। दिया को दुख होता है कि अनुपमा पर पहले से ही बहुत बोझ है और वह उसे एक नई जिम्मेदारी दे रही है। वह कहती है कि उन्हें इंडियन डांस ग्रुप कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला। वह चाहती है कि अनुपमा इस कार्यक्रम और उसके प्रदर्शन को भी संभाले। अनुपमा एक बड़ा मौका पाकर खुश है। उनका कहना है कि वह अपनी प्रैक्टिस के लिए समय निकालेंगी और बिना कोई बहाना बनाए चीजों को संभालेंगी। श्रुति अनुज को करीब लाने के लिए उसके साथ कुछ पल बनाती है। अनुज को अनुपमा की याद आती है। वह श्रुति को मंगलसूत्र पहनाता है। वह उससे कहती है कि उसे यह पसंद है। वह अनुज से डिजाइन चुनने के लिए कहती है। उनका कहना है कि वह अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकती है क्योंकि उन्हें वही पहनना है। वह आध्या का फोन लेने के लिए दौड़ता है। अनुपमा दिया से कहती है कि जब वह डांस करती है तो उसकी चिंताएं खत्म हो जाती है। वह खुशी महसूस करती है। दिया का कहना है कि वह डांस वीडियो उन्हें भेजेंगी। अनुपमा और दिया अभ्यास में व्यस्त हो जाती है। अनुपमा फर्श पर गिर जाती है और उसका दाहिना हाथ टूट जाता है। वह दिया से उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। वह दर्द से रोती है और प्रतियोगिता के बारे में चिंतित होती है। अनुज और श्रुति आध्या को दर्द में पाते हैं। वे उससे दवाएं लेने का आग्रह करते हैं। वे आध्या के दोस्तों से आध्या के पैर की मोच के बारे में सीखते हैं। अनुज कहता है कि आध्या को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। वनराज और लीला चिंतित हो जाते हैं कि पाखी घर नहीं आई। वह पाखी को फोन करता है और उसे भारत लौटने के लिए कहता है। पाखी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। जब पाखी को उसकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है तो किंजल लीला से ईशानी को अधिक के साथ रहने देने के लिए कहती है। वनराज पाखी पर गुस्सा हो जाता है। अनुज आध्या को शांत करता है। अनुपमा और आध्या एक ही जगह पर है और एक दूसरे को देखते हैं। अनुज अनुपमा के लिए चिंतित हो जाता है। आध्या अनुपमा से कहती है कि उसका टखना मुड़ गया है। अनुपमा ने अपने पतन के बारे में बताया। यशदीप को अनुपमा के भावनात्मक तनाव की चिंता है। अनुपमा आध्या से इलाज कराने के लिए कहती है। वह डॉक्टर से पहले आध्या को देखने के लिए कहती है। उसे चिंता है कि अनुज और आध्या दोनों इंजेक्शन से डरते हैं। यशदीप ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। इंजेक्शन देखकर आध्या चिल्लाती है। अनुज उसे शांत करने की कोशिश करता है। अनुपमा आध्या की ताकत बनने के लिए उसके पास पहुंचती है। वनराज को जब पता चलता है कि पाखी आरुष के साथ है तो वह चिंतित हो जाता है। लीला उससे पूछती है कि उसने पाखी का टिकट बुक करके पैसे क्यों बर्बाद किए। काव्या कहती है कि परिवार ने पाखी को बिगाड़ दिया है। लीला को लगता है कि वनराज ने पाखी का समर्थन किया है और यह उसकी गलती है। वनराज पाखी को ट्रैक करता है। वह कहता है कि वह पाखी को घर लाएगा। अनुपमा अनुज और आध्या से कहती है कि यह हो गया और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। वह पहले की तरह उनसे जुड़ती है। बाद में अनुपमा घायल हाथ के साथ प्रतियोगिता में पहुंचती है और अयोग्य हो जाती है। वह जजों से उसे उचित मौका देने की गुहार लगाती है।